नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूं आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। मेरा नाम है जिनलता भट्टराई। भारत भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र दोनों के संदर्भ में राष्ट्रपति बाइडेन के तहत अमेरिका से सकारात्मक ध्यान की एक उल्लेखनीय लहर का अनुभव कर रहा है। व्यापक तामझाम के साथ एक भव्य राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने का गर्मजोशी भरा इशारा दोनों देशों के बीच गहरी होती दोस्ती को दर्शाता है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, जो उनके प्रति दिए गए अपार सम्मान और सम्मान को उजागर करता है। साझा बयान। अमेरिका के साथ संयुक्त बयान में भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर अपने सैद्धांतिक रुख की पुष्टि की, अपनी भाषा को अपनी अच्छी तरह से स्थापित स्थिति के साथ संरेखित किया। विशेष रूप से बयान यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और विनाशकारी मानवीय नतीजों के साथ साथ वैश्विक आर्थिक प्रणाली के लिए इसके व्यापक प्रभावों के लिए साझा चिंता व्यक्त करने पर केंद्रित था। चर्चा में भोजन, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं का लचीलापन भी शामिल था। साथ में दोनों पक्षों ने युद्ध के परिणामों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष रूप से विकासशील दुनिया में समाधान खोजन और प्रभावित देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। अमेरिकी कांग्रेस को अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के साथ युद्ध यूरोप में लौट आया है। जिससे क्षेत्र में बहुत दर्द हुआ है, जिसमें प्रमुख शक्तियां शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम सामने आए हैं। विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश प्रभावित हुए हैं। तकनीकी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के वर्तमान प्रयासों में कई सकारात्मक तत्व शामिल हैं। विशेष रूप से सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उमरा है इंडसएक्स, जैसे भारत अमेरिका रक्षा त्वरण परिस्थितिक तंत्र के साथ दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने नेतृत्व में आईसेट का उद्देश्य कटिंग विकसित करने में अमेरिका और भारत की संयुक्त शक्तियों का उपयोग करना है। एच प्रतियोगिताएं ये पहले मजबूत और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना पर भी जोर देती है, जिसमें अन्य देशों द्वारा विशेष रूप से चीन के संदर्भ में उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने और अधिक लचीलेपन को बढ़ावा देने, दोनों देशों के पारस्परिक हितों और आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए एक साझा दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए यह चीन का कोण कम और अमेरिकी उद्योग के साथ साझेदारी की आवश्यकता अधिक है। चीन साझा दुश्मन। चीन निश्चित रूप से अपनी भारत नीति में अमेरिकी गणनाओं में बड़ा स्थान रखता है, भले ही आधिकारिक स्तर पर बीजिंग को खतरे के रूप में नाम से उल्लेख नहीं किया गया। अमेरिका और चीन के न केवल ताइवान को लेकर अधिक टकराव की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका की प्रधानता के लिए चुनौती के कारण भी, जिसका प्रतिनिधित्व उभरता हुआ चीन कर रहा है। भारत को भी अपनी सीमा पर चीन के साथ समस्या है। हिमालय में प्रत्येक पक्ष के 50,000 सैनिक एक दूसरे का सामना कर रहे हैं और भारतीय धारणा है कि चीन एशिया में आधिपत्य चाहता है और भारत के उदय को रोकना चाहता है। इंडो पैसिफिक अवधारणा, क्वाड, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा मालाबार अभ्यास की कल्पना एक मुखर और विस्तारवादी चीन को रोकने के लिए की गई है। फिर भी भारत बीजिंग के साथ अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर साझेदारी के साथ किसी भी संयुक्त बयान से दूर रखता है। इसका फोकस समुद्री सुरक्षा पर रहता है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा कई मोर्चों पर एक बड़ी सफलता है और भारत अमेरिका संबंधों को और गहरा करती है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।